वीडियो में हम रेक्टेंगुलर वेवगाइड बनाएंगे। यहाँ सिलेक्ट करेंगे एंटीना, नेक्स्ट। यार हम लोग बना रहे हैं वेवगाइड, तो हम यहाँ वेवगाइड पे क्लिक करेंगे। डायमेंशन हम लेंगे मिलीमीटर, गीगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी रहेगी, टाइम नैनो सेकेंड रहेगी, बाकी सबको हम एज इट इज रहने देंगे। फ्रिक्वेंसी रेंज लेना है, मतलब कौन सा फ्रिक्वेंसी पे हम इसको रन कराएंगे, तो वो बाद में भी हम इसमें कर सकते हैं, तो उसके बाद में भी हम इसको दे सकते हैं। तो नेक्स्ट नेक्स्ट, अब ये जो डायमेंशन है उसको हम प्रॉपर वे में अलाइन करेंगे ताकि हमको बनाने में इजी हो सके। तो एक्स एक्सिस हमारा राइट साइड हो गई, वाई एक्सिस हो गया ऊपर, और जेड एक्सिस मेरे तरफ हो गया, ठीक है। जाएंगे मॉडलिंग ब्रिक, आप स्केप दबाइए, स्केप बटन, सॉलिड है, आप किसी भी नाम दे दो, रेक्टेंगुलर वेवगाइड। अब यहाँ पे एक्स मीन एक्स मैक्स, वाई मीन वाई मैक्स, जेड मीन जेड मैक्स देना है। तो एक्स एक्सिस किधर है, राइट साइड इधर है, राइट साइड, वाई हमारा जेड ऊपर है, और जेड एक्सिस टुवर्ड्स मी है। तो अगर एक्स एक्सिस लेना है तो मान लेते हैं माइनस इलेवन टू इलेवन, वाई एक्सिस ऊपर मान लो 6.5 ले लेते हैं, जेड आप 50 से 50 ले लीजिए, माइनस 50 टू 50। कंपोनेंट है, यहाँ पे आप मटेरियल चूज करना का चाहे कुछ भी चूज कर लीजिए, लोड फ्रॉम लाइब्रेरी, आप एलुमिनियम ले लीजिए या फिर लॉस फ्री अल्मूना ले लीजिए। और इसमें जो मटेरियल ले रहे हैं उसका यहाँ प्रॉपर्टी दिखाएगी, मटेरियल की टाइप है एप्सिलन है, म्यू कितना है 1 है, परमिटिविटी ओके। ये तो ब्रिक बने, अब हमें वेवगाइड बनाने हैं, तो इसे हम बीच से क्या करेंगे, कट कर लेंगे। तो फिर से जाके यहाँ सेलेक्ट करेंगे एक ब्रिक, प्रेस स्किप, अब नया सॉलिड बना रहे हैं, उसको हमको बीच से काटना है, तो उसका जो एक्स मिनिमम जो लिए थे पहले उससे हम कम लेंगे। तो पहले हम लिए थे -11, अब हम लेते हैं -10। बाई मिनिमम लिए थे 6.5, तो लेता हूँ -5.5 ले लेता हूँ, और जेड मीन जो हम लिए थे -50 to 50, तो हम सेम जेड लेंगे क्योंकि हमको जेड को काट नहीं करना है, तो -50 to 50, मटेरियल वही रहेगी ओके। अब हमारे पास यहाँ ऑप्शन आ रहा है, तो हम क्या करना चाह रहे हैं, उसको जो ब्रिक बनाए थे उसमें कट करना चाहते हैं, तभी तो हमारा वेवगाइड बनेगी ना। तो यह कट अवे फ्रॉम हाइलाइटेड शेप ओके, ये हमारा रेक्टेंगुलर वेवगाइड बन चुका है। अब हम क्या करेंगे ना कि पोर्ट सेलेक्ट करूँगा, क्यों, क्योंकि हम जिस पोर्ट से पोर्ट वन से दूंगा वेवगाइड को इनिशिएट करूँगा, तो जो आउटपुट में हमारा ऑप्टेन होगा वो सेकेंड वेव पोर्ट से आएगी। तो इसको पोर्ट सेलेक्ट करने के लिए आप जाएंगे ब्रिक पिक फेस, आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, वेवगाइड पोर्ट। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस जो लिखा हुआ है एक्स मिनिमम -11, तो एज इट इज 11 लिख दूंगा, 11 6.5।
एज इट इज हो गया, ये हमारा पोर्ट वन बन गया। ओके अब पोर्ट टू हम सिलेक्ट करेंगे, मूव कर देता हूँ इस साइड। पोर्ट टू से पोर्ट टू सेलेक्ट करना, तो फिर से पीक फेस यहाँ पे, नाउ वेवगाइड पोर्ट, फिर से कुछ नहीं करना है हमें, जो यहाँ लिखा हुई है एक्स मिनिमम वो एज इट इज उसमें लिख देना है। हो गया ओके, अब हमारा रेक्टेंगुलर वेवगाइड बन चुका है, देख सी बन गए। अब हमें क्या करना है, अब इसे फील्ड मॉनिटर, मतलब जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड वन पोर्ट से दो, पता चलेगा ना कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से आउटपुट पोर्ट पे जा रही है। तो फील्ड मॉनिटर इलेक्ट्रिक फील्ड, अब फ्रीक्वेंसी दे दीजिए जितना भी देना है, मान लेते हैं 5 फ्रीक्वेंसी दिए, अप्लाई 6, अप्लाई 7, 8, 9, 10, 10, आप मैग्नेटिक फील्ड भी दे सकते हैं, तो मैं मैग्नेटिक फील्ड नहीं दे रहा हूं। ओके हो गया, अब हमारा हो गया, अब हम इसे रन कराएंगे, सेटअप सॉल्वर रन, फ्रीक्वेंसी रेंज दे दीजिए, मान लेते हैं 8 गीगाहर्ट्ज़ टू 12 गीगाहर्ट्ज़ के लिए मैं रन करा देता हूँ। ओके स्टार्ट, हमारा रन हो गया। एनिमेट फील्ड, ये देखिए मेरा वेव इस तरह से प्रोपगेट कर रहा है, अब हमारा फ्रीक्वेंसी 10 गीगाहर्ट्ज़ हुआ तो इस तरह से प्रोपगेट कर रही है, ये इस तरह से, ये हमारा रेक्टेंगुलर वेवगाइड बन गया। आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, थैंक यू।